कि हिंदुस्तान को एक सच्चाई और देखनी चाहिए कि आज वो लोग जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं ना, किसान के लिए पीड़ा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान के घर में भोजन नहीं है, किसान क्या करेगा, किसान झोपड़ी में रहता है, किसान का बच्चा पढ़ नहीं पाता है, इतने सालों से 70 सालों से इस देश का दोहन किया, इनको किसान का दर्द नहीं दिखाई दिया, इनको किसान की पीड़ा नहीं दिखाई दी जब इन्होंने अपने बिचौलिए बिठाए मंडियों के अंदर इन्होंने इलेक्शंस नहीं होने दिए, वही लोग मंडियां इनकी कमेटियां चलाती रही, और जो 100 रुपए का सामान होता था, जिसके 100 रुपए किसान को मिलने चाहिए थे, उसके 50 पैसे दिए, किसान को मरने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद उस सामान को कोल्ड स्टोरेज में डाला, फसल को मार्केट में उसकी आवश्यकता बढ़ाई, उस 50 पैसे से लिया हुआ सामान 1000 में बेचा, और हम तक पहुंचते पहुंचते वो 2000 का आ गया, 2000 में से किसान को कितना मिला, 50 पैसा, 50 पैसा। इन लोगों की बदौलत, ये बिचौलिए जो बैठे हुए हैं और इनके जो राजनीतिक आका बैठे हुए हैं, उन लोगों की बदौलत, और जो आज सड़कों में खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं, इसी बात का दर्द है। तब इनको किसानों की चिंता नहीं हुई। एक और बात बोलती हूँ, 2004 से 2014 तक ये पता कीजिए हिंदुस्तान के किसान, इस हिंदुस्तान के हमारे किसानी कृषि मंत्री कौन थे, मैं बता देती हूँ, नाम शरद पवार जी थे। और अब आप एक काम कीजिएगा, मैं ये डेटा मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप 2004 टू 2014 तक ये निकालना कि कितने किसानों ने हिंदुस्तान के अंदर आत्महत्या करी, किस पूरे देश के अंदर और राज्यों के अंदर और खासतौर पर महाराष्ट्र के अंदर निकालेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इनका काला चेहरा सामने आ जाएगा। शरद पवार जी सारे प्याज की सारी मंडियां कंट्रोल करते हैं, वहां पर सारी मंडियां कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद अगेन 50 पैसे में लेके उसकी होर्डिंग करते हैं, उसके बाद बेचते हैं। इन लोगों से प्रश्न नहीं किए जाने चाहिए, ये लोग जिम्मेदार नहीं है। कितनी आत्महत्याएं हुई हैं किसानों की महाराष्ट्र के अंदर सुशील, ये तो सारा विश्व जानता है, ये केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है, देश के अंदर कितनी आत्महत्याएं हुई इस पीरियड के अंदर, कहां थे ये लोग, कहां थे, क्यों किसानों के लिए खड़े नहीं हुए, क्यों किसानों के लिए बिल नहीं बनाए, क्यों किसानों के लिए रिफॉर्म क्यों नहीं हुए, क्यों किसानों की चिंता नहीं करी, क्यों नहीं करी। और आज एक प्रधानमंत्री, एक चाय बेचने वाले के बेटे ने जब इस देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ खड़ा होना शुरू करा, तो इनके दिलों के अंदर दर्द होने लग गया, इनको तकलीफ होने लग गई, और ये बिलों से बाहर निकल निकल करके तो ऐसे आ रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि इनके जो जहरीले फन है ना, वो कुचले जा रहे हैं, इसलिए तकलीफ है। आज किसान को जब उसका हक देने की बात आई है, तो किसान को तुम बरगलाओगे, खालिस्तानी बिठा दिए हैं भाई, सोचिए आप, सबसे पहले शुरुआत ही हुई थी खालिस्तानी, वो आकर के इस आंदोलन में बैठ गए। आप सोचो, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री का हिंदुस्तान के किसानों से और हमारे इंटरनल मैटर से क्या मामला है और क्या लेना देना है उसका, क्या लेना देना, जस्टिन ट्रूडो वहां से मैसेज भेज रहे हैं और पूरे देश में उसको, पूरे विश्व के अंदर उसको वायरल कर रहे हैं और अपना सपोर्ट जाहिर कर रहे हैं। और बाय द वे वही जस्टिन ट्रूडो है ये, WTO में जस्टिन ट्रूडो ने MSP का विरोध किया, वहां विरोध करते हो और यहां पे एक वीडियो मैसेज भेज करके हमारे यहां के लोगों को बरगलाते हो, क्यों खालिस्तानियों का साथ दे रहे हो। परेशानी यह है कि जयचंद हमारे देश में है सुशील, जयचंद इस देश की धरती के अंदर बैठे हुए, वो इस देश का, मां भारती का, यहां की जनता का, चाहे वो जवान हो, किसान हो, आम जनता हो, उसका भला नहीं चाहते, क्योंकि जिस दिन उसका भला हो गया ना, इनकी दुकानें, इनका रोजगार बंद हो जाएगा। इसलिए जब किसानों की बात आती है तो ये चले जाते हैं कैनेडा, जब धारा 370 और 35 हटाई जाती है तो ये पहुंच बैठ जाते हैं चीन की गोद में, जब आतंकवाद करवाना होता है तो ये बैठ जाते हैं पाकिस्तान की गोद में। ये देशद्रोही हैं, इनको पहचानना और इनकी खाल खींचना शब्दों के बाणों से और सच्चाई से बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान का आम नागरिक नहीं समझेगा, जनता नहीं बोलेगी, ये नहीं सीधे होने वाले हैं। इन्होंने दिखाना, मिस्टर योगेंद्र यादव, आप बताओ ये कहां का किसान है भाई। मैंने तो आज तक इनको, मतलब आप पूछिए इनसे पूछिए कि इनकी कितनी बीघा जमीन है, इनको पूछिए बीघा होता क्या है, पूछिए आप इनसे, अंग्रेजी बोलते हैं इलीट, इनसे पूछिए बीघा क्या होता है, कितनी बीघा जमीन है आपकी, पूछो आप, और कहां पर है, और कितने आपके यहां, कितनी मतलब कभी आपने की है, कभी कोई रोपाई वोपाई की है, कभी गांव में जाकर के फसलों के, आपको पता है कौन से सीजन में कौन सी फसल होती है, आप वहां पर गमछा ऐसे सर में लगा करके आप पहुंच गए किसानों के बीच में। ये तो वो व्यक्ति हैं, मुझे अभी तक याद है जब JNU में छात्र आंदोलन हुआ तो ये वहां भी कूद गए थे, नेताजी से ये स्टूडेंट बन गए, अब ये नेताजी से किसान बन गए।